हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आज की इस वीडियो में। हम बात करने वाले हैं गाइस कि आप अपने फ़ोन में अपने वॉलपेपर्स कैसे चेंज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में सिंपल सिंपल स्टेप है, आपको उन्हें फॉलो करके आप अपने फ़ोन में अपने वॉलपेपर्स चेंज कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो की जानकारी के लिए वीडियो लाइक से ज़रूर देखना। आइए वीडियो शुरू करती हूँ। तो वीडियो शुरू करने के लिए गाइस सबसे पहले हमें अपने फ़ोन में अपनी सेटिंग को ऑन करना होगा। ऑन करने के बाद यहाँ पर आपको इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है डिस्प्ले, तो आप डिस्प्ले पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है वॉलपेपर, यहाँ पर आपको वॉलपेपर पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, कई सारे वॉलपेपर मिल जाते हैं। जो भी गाइस आपको पसंद हो, लाइक हो, तो आप इस तरीके से उस पर क्लिक करेंगे। जो भी आप लगाना चाहते हैं, जैसे कि आप ये लगाना चाहते हैं, तो इस पर क्लिक करेंगे। और यहाँ से आप दूसरा चेंज भी करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से दूसरा चेंज भी कर सकते हैं। वही जैसे कि आप यहाँ पर आपको कई सारे वॉलपेपर मिल जाते हैं, जो भी आपको लगाना, तो आप यहाँ से इस तरीके से लगा सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अप्लाई का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अप्लाई करने के बाद अगर आप अपने फ़ोन में अपना होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन पर लगाना चाहते हैं, सेट एज लॉक स्क्रीन पर क्लिक कर देंगे। अगर होम स्क्रीन पर लगाना चाहते हैं तो सेट एज होम स्क्रीन पर लगा सकते हैं। अगर गाइस आप चाहते हैं कि आपको होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन दोनों पर लगाना, तो आपको सेट बॉक्स पर क्लिक कर देना, तो उसे कीप ऑन कर देना। तो गाइस इस तरीके से आप अपने फ़ोन में अपने वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें, लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।